इंडिया की सबसे बड़े बजट की, वो भी पूरे 750 करोड़ की रामायण मूवी में हनुमान और रावण के रोल के लिए जिन एक्टर्स को सिलेक्ट किया गया है उनके बारे में जानकर यू विल बी शॉक्ड। नितेश तिवारी की इस मेगा बजट रामायण में श्री राम के रोल के लिए रणवीर कपूर को सिलेक्ट किया गया है। पहले इस रोल के लिए ऋतिक रोशन को लिए जाने की खबरें आ रही थी, बट बाद में रणवीर कपूर को फाइनल किया गया। इफ यू रिमेम्बर की ब्रह्मास्त्र मूवी के टाइम रणवीर इसलिए ट्रोल एंड बॉयकॉट किए गए बिकॉज रणवीर हैड सेड इन एन इंटरव्यू कि वो बीफ यानी गो मांस खाते हैं, बस हिंदू फैंस को ये पसंद नहीं था इसलिए बॉयकॉट ट्रेंड कर गया। अब ऐसी कंट्रोवर्सी रामायण मूवी के साथ ना हो इसलिए रणवीर ने स्मार्टली बोल दिया कि श्री राम के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए रणवीर नॉट ओनली स्टॉप्ड ईटिंग बीफ बट हैज ऑल्सो बिकम ए वेजिटेरियन। अब रणवीर ने बोल दिया कि वो वेजिटेरियन बन चुके हैं और श्री राम के कैरेक्टर जो किसी भी कैरेक्टर में सबसे ऊपर और सुपर हैं, उनके चरित्र का प्रभाव ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी दिखना जरूरी है बॉस, वरना जनता माफ नहीं करेगी। वहीं रामायण मूवी में सीता के रोल के लिए पहले दीपिका पादुकोण की बातें चल रही थी, बट ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जिनकी इमेज और इनकी लाइफ स्टाइल किसी भी एंगल से माता सीता के रोल के लिए फिट नहीं बैठती। अब आदि पुरुष के लिए कृति सैनन भी इसी वजह से ट्रोल हुई थी। यहाँ पर भी डायरेक्टर ने स्मार्टली डिसीजन लेते हुए ऐसी एक्ट्रेस को सिलेक्ट किया है जो स्क्रीन पर ना तो कभी शॉर्ट ड्रेस में दिखी है, ना ही इस एक्ट्रेस ने कभी कुछ ऐसा परफॉर्म किया है कि ये ट्रोल हो जाए। इस एक्ट्रेस का नाम है साई पल्लवी, जो अपनी सादगी के लिए फेमस है, जो माता सीता के कैरेक्टर को परफेक्ट प्ले कर सकती हैं। एंड फाइनली अब बात करें 750 करोड़ की इस रामायण के दो बड़े रोल की जो पब्लिक को थिएटर में आने पर मजबूर कर देंगे, और वो है सनी देओल एंड केजीएफ स्टार यश, जिनमें सनी देओल हनुमान जी का रोल निभाएंगे और यश जिन्हें आप रॉकी भाई के नाम से जानते हैं वो रावण का रोल प्ले कर रहे हैं। नितेश तिवारी अपनी रामायण के लिए हर एक कैरेक्टर को काफी डीपली सोचकर पब्लिक की डिमांड एंड रियल किरदारों को ध्यान में रखकर डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि वो फिल्म में किसी भी चीज से सैक्रिफाइस नहीं चाहते हैं बिकॉज आदि पुरुष के नाम से पब्लिक को पहले ही बुरी तरह काटा जा चुका है और फिर पब्लिक ने हेट और बॉयकॉट से आदि पुरुष का जो हाल किया और मेकर्स की धज्जियां उड़ा दी। अब नितेश तिवारी इन सब बातों को ध्यान में रखकर अपने इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें यश अकेले फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना सकते हैं, क्योंकि केजीएफ स्टार यश जो फैन बेस रखते हैं वो फिल्म को ब्लॉकबस्टर करने के लिए काफी है और यश का रावण के रोल में दिखाई देना स्क्रीन पर आग लगा देगा। हनुमान को शक्ति का प्रतीक माना जाता है और सन्नी पाजी का शक्ति प्रदर्शन तो आप स्क्रीन पर देख ही चुके हैं, जो बजरंगबली के किरदार को बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे क्योंकि सनी देओल इमोशनल एंड सॉफ्ट नेचर के साथ एंगर एंड पावर को बड़े मैग्निफिशिएंट तरीके से दिखा सकते हैं। और सनी देओल ने गदर 2 में जो तहलका मचाया था, अब रामायण में श्री राम के दूत बनकर रावण के अपोजिट दमदार तरीके से खड़े होकर लंका दहन कर स्क्रीन पर रियल में आग लगा देंगे। अब इतनी बड़ी स्टार कास्ट जिसमें रणवीर कपूर, साई पल्लवी, सनी देओल और यश, इन सब की फैन फॉलोइंग अपने आप में किसी फिल्म को ब्लॉकबस्टर करने के लिए काफी है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यश रावण के रोल के लिए 100 से 150 करोड़ रुपए और सनी देओल हनुमान के रोल के लिए 45 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। बड़ी स्टारकास्ट के साथ ही फिल्म के VFX काफी अमेजिंग होने वाले हैं, जिसके लिए ऑस्कर विनिंग कंपनी DNEG से डील की गई है, जो रामायण की ऐसी दुनिया और सीन्स क्रिएट कर देगी जो दर्शकों के होश उड़ा देगी। तो आप इस रामायण के कौन से किरदार को लेकर ज्यादा एक्साइटेड हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें।